There is one thing that everyone wants in their life. Any guesses? Is it money? Is it success? Is it fame? What is it? It's happiness. Yes or no? We all want to be happy, but still, some of us are not happy. I did some research and figured out there are three core reasons why we are not happy. And in this video, I'll talk about that one reason why we're not happy. Let's watch. So here is a situation for you. There are two people, Raj and Simran. So Simran ne 10 kilometer cover kiye 60 minutes mein. Ek ghante ke andar she covered a distance of 10 kilometers. Whereas Raj ne wohi same distance cover kiya in 90 minutes. So, whom do you think is more fit and fast? Guess. Kaun hoga? Of course, your answer will be Simran. Now, what if I say that Simran ne ye distance downhill cover kiya, niche aate hue, whereas Raj covered it while going uphill? Then, aapka answer kya hoga? Your answer will change to Raj. But when we come to know ki Simran 60 saal ki hai aur Raj sirf 20 saal ke hai, to kya hoga aapka answer? Sawal wohi hai. Kya hoga aapka answer? Fit and fast. Simran, right? But we also come to know that Raj ka jo weight hai, wo 120 kilo ka hai. Aur Simran ka weight sirf 60 किलो का है. अब क्या आंसर होगा हमारा? राज. Did you observe? As we get to know more about Raj and Simran, our opinion gets changed. Similarly in life, हम लोग comparison start कर देते हैं with others, and that's one of the biggest reasons for being unhappy. Before you call someone as rich and yourself as poor. Hota hai na? Ki hum log kehte hai, yaar, he's so rich and I'm just poor. Someone as a victor and yourself as a victim. Ki mere saath hi sab kuch hota hai. Kaash, dunya bahut puri hai, yaar. If you call someone as lucky and yourself as unlucky, take a moment, my dear friend, to value what you have. आपके पास जो है उसकी थोड़ी सी कदर कीजिए, थोड़ा सा उसको अहमियत दीजिए. Take a moment to see what you can do. Take a moment to feel grateful for what you have. ज़रा गौर फरमाइएगा कि अगर आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है? उससे पूछिए जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं है, उससे पूछिए जिसके पास देखने की शक्ति नहीं है, उससे पूछिए जिसके पास समझने की शक्ति नहीं है. यू हैव ऑल ऑफ दोस. डू यू फील ग्रेटफुल? कई बार हमें एहसास नहीं होता कि हमें कितनी चीज़ें ऐसे ही मिल गई जो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. क्योंकि जो कंपैरिजन है ना, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा. अब देख लो, स्कूल में हमें सिखाया गया कि कंपैरिजन करना है, कि उससे बेहतर होना है, उससे बेहतर होना है. चलता रहा वो चीज़. सिस्टम ऐसा बनाया गया था और सिस्टम ऐसा है भी. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हमको औरों से आगे निकलना है, औरों से बेटर निकलना है. लेकिन इस जर्नी में क्या आप हैप्पी हो? आप खुद से बेटर होते जाओ, दैट्स गुड, नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स विदाउट रियलाइजिंग देयर जर्नी एंड वैल्यूइंग योर जर्नी, यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी. यस ऑर नो? आपको नहीं पता कि जो वो दूसरा शख्स है वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है. यार मैं तो बोल ही नहीं पाता. लुक एट हिम, ही स्पीक्स सो कॉन्फिडेंटली. मैं तो बोल ही नहीं पाता यार. मैं तो मतलब बोलते बोलते अटक जाता हूँ. आपको पता है मेरी जो एक स्टोरी थी, जर्नी है, जहाँ मैं अपना नाम भी सही से नहीं बोल पाता था.
हकलाता था, अटकता था, मेरे था कंपैरिजन कि अरे यार ही सो लकी, ये तो आराम से बात कर लेता है और मैं तो अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा हूं। कंपैरिजन था, क्या करें, उसको मना कर दूं कि मत बोल? नहीं ना, आई फील ग्रेटफुल कि एटलीस्ट भगवान ने आवाज तो दी, कुछ बोल तो पा रहा हूं, चाहे अटक अटक के बोल रहा हूं, एटलीस्ट बोल तो पा रहा हूं। नजरिया है, दिस विल गिव यू पीस ऑफ माइंड एंड स्ट्रेंथ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एल्स उम्मीद छोड़ दोगे, उम्मीद छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे। यस, सो इफ यू स्टे होपफुल दैट यस आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, यू विल वर्क अहेड, अ ग्रेट रीजन टू बी हैप्पी। सो ये हुई बात कंपैरिजन विद पीपल, लोगों से कंपेयर किया आपने कि यार उसको देखो उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। कई बार हम लोग काम से भी कंपेयर करते हैं, इफ यू डू नॉट लाइक द वर्क दैट यू डू एंड फील अनहैप्पी कि यार उसका वर्क कितना सही है ना, उसका तो अपना खुद का काम है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक बिजनेसमैन है, वो तो US में है, वो तो यूरोप में काम कर रहा है, एंड वी फील अनहैप्पी। टेक अ मोमेंट टू लुक एट योर करंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Not everyone is privileged enough to leave everything and do what they love to do. आसान नहीं होता साहब, आसान नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़े, कि ये मेरा पैशन है, कि गिटार बजाना मेरा पैशन है। अच्छी बात है आप म्यूजिक के लिए बने हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास एक फैमिली है जिसका आपको ध्यान देना है, मे बी आपको लोन पे करना है, मे बी आपको भविष्य के लिए सेविंग सिक्योर करनी है। आपके लिए आसान नहीं है, आपके लिए ये नहीं है कि बस मैंने आज सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, तुम देख लो अपना, मैं जा रहा हूँ अपना, ऐसा तो होता नहीं है। यू शुड फील ग्रेटफुल कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया, हु हैव ब्रॉट यू टिल दिस लेवल, उनको आप नहीं छोड़ सकते ना बीच में। सो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, दैट्स नेवर अ सजेशन फ्रॉम माई साइड। सो व्हेनेवर यू टेंड टू कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू वर्क, Instead of feeling like a victim, look at the action plan. कि plan क्या है कि अगर मैं अभी इतना earn करता हूँ और मुझे अगर इतना earn करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? Look at the action plan. How can you increase your level of self-awareness? क्योंकि आज जो भी आप कर रहे हैं आपकी current level of awareness के base पे भी है। हो सकता है कि जिस शख्स को आप देख रहे हैं ही इज़ मच मोर अवेयर कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, शायद आपने अभी तक वो चीज़ पहचानी नहीं है। एंड दैट्स अ रीज़न यू टेंड टू कंपेयर जस्ट द वर्क दैट ही इज डूइंग विथ व्हाट यू आर डूइंग, नॉट रियलाइजिंग कि उस शख्स की जो अवेयरनेस लेवल है, उस शख्स का जो अवेयरनेस है अबाउट द स्ट्रेंथ्स दैट ही हैज, द स्किल्स दैट ही हैज, कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। हाउ कैन यू इंक्रीज योर लेवल ऑफ स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर वॉट यू प्लान टू डू? आपका जो मन में प्लान है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, गुड, प्लान्स रखो, लेकिन उसके लिए कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता है? अगर आप कहते हो कि दिवस आई वॉन्ट टू गो अप इन माई कॉर्पोरेट जर्नी, आई वॉन्ट टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन माई करियर, I wish to get more promotions, like crack some interviews. Are you working on your skills of communication? बताइए मुझे, रातों रात तो होगा नहीं। That someday you like, okay, आज मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है और कल जाके मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। You will have to give time to your skill. So ask yourself कि आप कितना टाइम दे रहे हो अपने स्किल लेवल को ऊपर करने के लिए। मेरे कोर्स में बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनका यही डाउट रहता है कि दिवस वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली। एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि उन्होंने वो कदम उठाया एंड देन टुडे दे आर ग्रोइंग, दे आर बिकमिंग बेटर, एंड दैट इज गोना पे देम when they go for the next presentation, next interview, next appraisal or whatever it be. आई बात समझ? So आप कंपेयर कर सकते हो, आप जल सकते हो कि उसको प्रमोशन मिला मुझे नहीं मिला, उसको इंटरव्यू चांस मिली मुझे नहीं मिली, लेकिन भाई स्किल तो देखो,
what skill you have to work on. Clear? Now, look at from the perspective of risk also. हमने बात करी awareness की, हमने बात करी skill set की. Look at the perspective from the risk as well. जिस शख्स से आप compare कर रहे हो कि उसका काम है वो कितना अच्छा है, उसके profits वो कितने अच्छे हैं, वो अपना काम करता है, वो एक entrepreneur है, उसका startup है, बहुत cool लगता है आजकल लोग बात करते हैं इस बारे में. Also ask कि क्या आप उस level का risk ले सकते हैं, क्या आपके अंदर उतनी क्षमता है कि यू कैन टेक दैट रिस्क, गो फॉर दैट अनस्ट्रक्चर्ड पाथ. रिस्क होता है, रिस्क होता है. आप चाहे किसी से पूछिए हु रन्स अ बिजनेस, रन्स अ स्टार्टअप, कि इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड और सेफ प्लेस टू बी इन. कब जाने क्या हो जाए नहीं पता. सो आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव दैट एपेटाइट टू टेक रिस्क. इन्वेस्ट टाइम, invest time, take mentorship and build that stuff. This path requires you to leave your comfort zone and might temporarily make you unhappy. Mujhe pata hai, when I took this path of entrepreneurship, starting ke kuch saal bahut hi tough the. Bahut gussa, bahut frustration, bahut temperament hota tha loose. Asaan nahi tha kyunki jo apne path choose kiya tha wo bahut bahut tough tha. Aapki naukri thi, aapka kaam tha, like 9 to 5. ठीक है, आपका एक मंथ के एंड में सैलरी आती है, सब कुछ सेट है, एक सेट चीज़ है. बट देन आप जब अपने वीकेंड्स पे काम करते हो एंड अपने दिन रात लगे हो, होश नहीं है एंड तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, यू बिकम अनहैप्पी. बट देन रिमेंबर, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैप्पीनेस रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म अनहैप्पीनेस टू लिव अ लाइफ दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ. ये बहुत ज़रूरी है. सबकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप वैसे ख्वाब देखते हैं कि यार ज़िंदगी में ये करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, टू बी एबल टू रियलाइज दैट ड्रीम एंड बी हैप्पी, टू हैव अ सस्टेनेबल हैप्पीनेस, यू ऑट टू हैव दोज मोमेंट्स वेयर बीच बीच में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे व्हेन यू विल बी अनहैप्पी और व्हेन यू विल बी लाइक स्ट्रेस्ड आउट, एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके. We as humans need lot of resilience and strength over here कि हम लोग अपने mind को balance करके खुश रह सकें. So I hope इस video के ज़रिए आपको समझ आया कि कौन कौन से reasons हैं. मैंने आज जो एक reason है comparison, उसका जिक्र किया. Comparison with people and comparison with work that affects your state of happiness. Are you happy now? Are you happy? Let me know in the comment section. Are you happy or not? Till then, stay awesome, stay productive.